अशोक सज्जनहार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट। अशोक सज्जनहार साहब, ऐसे में पूरी दुनिया क्या एक टक देखती रहेगी कि म्यांमार में किस तरह से नरसंहार हो रहा है, या फिर कुछ किया भी जाएगा? यूएन की भूमिका खास तौर पर ऐसे में क्या होनी चाहिए, और यूएन अपनी भूमिका निभाता हुआ नजर आ भी रहा है या नहीं? देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी का अगर हम ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, जो वो कोई फौज लेकर वहां पर भेज देंगे, तो मेरे विचार से वो बहुत ही अनरियलिस्टिक होगा। आपको मालूम है, जो ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इस मुद्दे को एकदम ले जाया गया था 1 फरवरी के बाद, और वहां से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक वक्तव्य भी आया था, उन्होंने इसको कंडेम किया था बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में, और उसमें भारत की बड़ी अच्छी भूमिका रही थी। क्योंकि देखिए, भारत को अपना, आपने स्वयं बताया है, हमारा पड़ोसी देश है, 1640 किलोमीटर हमारा इसके साथ वो बॉर्डर लगता है, सीमा है, हमारी सिक्योरिटी इंटरेस्ट बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि बहुत सारे इंडियन इंसर्जेंट ग्रुप्स वो वहां पर अपने बेसिस बनाए हुए हैं। हमारे जो 4 राज्य हैं, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल और अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, वो इससे मिलते हैं यहाँ पर, और मिजोरम, मणिपुर, मेघालय नहीं, मणिपुर। तो यहाँ पर जो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, वो म्यांमार से आते हैं, तो म्यांमार की जो सरकार है, मिलिट्री सरकार से भी हमें काफी कोऑपरेशन लेना पड़ता है। तो उसकी मिलिट्री से भी, और औसा सूची की जो सरकार थी जिसको अभी 1 फरवरी में उन्होंने हटा दिया है, तो हमको उन दोनों के साथ अपने जो संबंध हैं बैलेंस करने हैं। परंतु आपका जो समीर बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिए वहां की जो जनता है वो प्रोटेस्ट कर रही है, जो यूनाइटेड नेशन, जिसे कहा जाता है R2P, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, उस प्रोविजन को वो एक्टिवेट करे। आपको मालूम है, जो 2005 में उसको यूनाइटेड नेशंस ने अपने उसमें लाया था, अपने स्टैट्यूट बुक में लाया था, क्योंकि जो कुछ भी हादसे हुए थे पहले वाली युगोस्लाविया में, रुआंडा में, सूडान में, सोमालिया में, और उसको वहां पर लाया गया था, परंतु उसका प्रयोग किया गया था बाद में लीबिया में जी, और लीबिया का जो हमारा एक्सपीरियंस है, हमारा जो अनुभव था, वो ठीक नहीं था। तो यहाँ पर R2P को इस्तेमाल करने के लिए जो कोई मिलिट्री इंटरवेंशन हो, शायद ये चाहते हैं जो डेमोन्स्ट्रेटर्स, परंतु मुझे नहीं लगता है, क्योंकि आखिरी बात में ये कहूंगा, चीन और रूस जो कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी म्यांमार की मिलिट्री जनता के साथ खड़े थे, वो बिल्कुल भी R2P को यहाँ पर ऑपरेट नहीं होने देंगे। किसी भी प्रकार का अंतरराष्ट्रीय मिलिट्री इंटरवेंशन यहां पर वो बिल्कुल कबूल नहीं करेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।